लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान तमिलनाडु जाने वाले हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल को वो एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं। ये आपको बड़ी खबर बता दें, तमिलनाडु में बिहारी लोगों पर जो हमला हुआ, अब उस पूरे मामले पर ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर इस बीच निशाना भी साधा था। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में झूठ बोला है, जल्द ही वीडियो वो जारी करेंगे। हालांकि इन सबके बीच में सोशल मीडिया पर कई फेक वीडियोस भी जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें पिटाई की बात कही गई, भ्रम की स्थिति बनी। हालांकि तमिलनाडु और बिहार सरकार की सूझबूझ से फिलहाल अफरा तफरी के माहौल पर विराम लगाया गया है, ये जरूर कहा जा सकता है। तमिलनाडु की घटना का जिक्र कर रहे हैं, कई लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वो फेक वीडियो है, दो तीन फेक वीडियो भी उस संदर्भ में जारी किए गए हैं। मैं विधानसभा का एक वक्तव्य देख रहा था, ये माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बता रहे थे कि ये सब गलत वीडियो है। मैं अभी दो दिन रुका हुआ हूँ, मैं उनको सही वीडियो भी जारी करूंगा। साकेत हमारे संवाददाता सीधा पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साकेत, इस पूरे मामले पर सियासत बहुत गरमाई हुई, ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान खुद तमिलनाडु पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल, आज चिराग पासवान तमिलनाडु जाएंगे और इस पूरे मामले पर जो छात्रों मजदूरों के साथ वहां पर जिस तरह से व्यवहार हो रहा है उस पर वो वहां के डीजीपी से मिलेंगे, प्रशासन के लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राज्य सरकार इस बात को मान क्यों नहीं रही है, क्योंकि लाखों की संख्या में मजदूर अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, तो ऐसे में उनके पास सिर्फ एक ही सहारा होता है कि अगर इस संकट की घड़ी में वो फंसे तो सरकार उसके साथ खड़ा हो। आप समझिए किस तरह से तमिलनाडु में लगातार जो मजदूर है वहां से पलायन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में बिहार पहुंचे हैं और सभी मजदूरों से हमने बात भी की है, कई जो मजदूर है वो रो रो कर अपना दुखरा सुना रहे हैं, लेकिन सरकार इन चीजों को नहीं समझ रही है। ठीक है, कोई वायरल वीडियो हो या उस वीडियो में क्या सच्चाई है वो अलग इशू है, उस पे जांच होगी, लेकिन मजदूरों में डर है और यही वजह है कि मजदूर वहां से पलायन कर रहे हैं बड़ी संख्या में। तो ऐसे में इन मजदूरों को कैसे एक उनको समझाया जाए कि आप रहिए, आप सुरक्षित हैं कहीं भी, इस पर सरकार को काम करने की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक 4 सदस्यीय टीम जो है वो तमिलनाडु भेजी है, वो टीम अभी 2 दिन से वहीं पर है तमिलनाडु में, वहां पर लगातार मजदूरों से बात कर रहे हैं, ये जो टीम गई है कर रही है और वहां के प्रशासन के लोगों से भी और सरकार के लोगों से भी ये टीम बात कर रही है, लेकिन जब तक इन मजदूरों को सुरक्षा का एक भरोसा नहीं दिया जाएगा तब तक ये डर का माहौल रहेगा और इसी तरह से वहां से जो मजदूरों का जब तक ये स्थिति नहीं आती है तब तक वो इस असुरक्षित भाव में ही रहने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत आपका।